कहानी 41 यीशु मरी करे जीवंदो होना। जब सिपाही यीशु क्रूसा पेंदे चढ़ाई मुक्को थी तब तेता बाद यहूदी गुरु पिलातुसा का बोलू ते उस उठे यीशु बोलू थी कि मैं जीवनी दिहाड़ी बाद मरी करे जीवंदे होना। एता हेने बे हमा कब्रा री निगरानी करनी आई कोई एड़ा नहीं होए कि तेरी लाशा चोरी करे नहीं है और तेता बाद बोले कि मरी करे जीवंदो हो। पिला तुसे बोलू एक सिपाही निया और अपने समझा रे साबे कब्रा री निगरानी करा तेवा ते तेसा कब्रा रे मित्र नाने आले द्वारा सेटा एक बड़ा पत्थरा पेंदे छाने लाई और निगरानी करने बे सिपाही रा पैरा डाहू कि कोई भी तेवरी लाश चोरी नहीं सके। यीशु रे मरने बादा री दिहाड़ी सप्ताह री दिहाड़ थी। यहूदी गुरु कब्रा में नाने री इजाजत कासी वे नहीं दीनी पर सप्ताह री दिहाड़ी का पहले दो तीन न्यारे एका बेटड़ी यीशु री कब्रा नहाने बे तैयार होई। त्या यीशु री लाशा में बढ़िया खुशबू वाले मसाले लाउने चांदा थी। त्या बेटड़ी रे कब्रा में पूजने का पहले तखे बड़ी जाजरी होई। सरगा का इच्छी करे एकी स्वर्ग दूते कब्रा रो सौ पत्थर किनारे करू जो कब्रा रे द्वारा सेटा डाउद थी। तेता पेंदे बैठो स्वर्ग दूत लाइटा जो चमकदो लागो थी जो सिपाही कब्रा री निगरानी करदे लागे थी ते स्वर्ग दूत हेरू ते अब इतने ज्यादा डोरी की मुए दे जमीना पेंदे पौड़ी। जेबे त्या बेटड़ी कब्रा में पूजी तेबे ते स्वर्ग दूते त्या बेटड़ी बे बोलू नहीं डोरा यीशु आखे नहीं आंदो सो मुए दे म्या का जीवंदो हो जेड़ा की ते पहले बोलू थी कि हाँ जीवंदो हूणो कब्रा में लोड़ा होर हेरा त्या बेटड़ी कब्रा में नहीं करे यीशु री लाशा लोड़ती लागी और ते हेरू तके यीशु री लाश अखे नहीं आंदी। तब ते उस स्वर्ग दूते त्या बेटड़ी का बोलू नाशी करे तेरे चेले बे खोजा यीशु मारी करे जीवंदो हो दसा और सो तमा का पहले गलीला जिले बे नानो। त्या बेटड़ी बखे हैरान होई करे बखे खुश होई त्या चेले बे या खुशी रा समाचार सुनावने री तैनी ठूरी। जेबे त्या बेटड़ी चेले बे या शुभ संदेश खोजने री तैनी अपनी बाता हंडती लागी थी तेबे यीशु त्या बे प्रकट हो त्या तेवरी जंगा में पड़ी। तेबे यीशु बोलू नाई डोरे नाशी करे मेरे चेले बे गलीला बे नाने बे बोला त्या हाउ तखे हेरनो।